नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम आया, एक ऐसा पर्सनल मैं कह सकता हूँ, एक ऐसी घटना हुई जहाँ मुझे मालिकों से थोड़ा सा दुख हो गया, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर दी। और जब मैंने क्विट की तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या था, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बहुत नहीं सोचना चाहिए, कई लोग काफी अधिक सोचते हैं। मैं आपको अपना बताऊं कि भागलपुर से जब हम लोग ने ये चैनल शुरू की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक अच्छा कैमरा भी नहीं था। सर आपने यूट्यूब का जिक्र करा, तो अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपने यही नाम क्यों चुना? कई बार मेरा अभी सेमिनार है, मान के चलिए मुझे सेमिनार लेना है, सेमिनार मान के चलिए 3 बजे से, मैं 2 बजे रो रहा हूँ। उस समय तक मुझे अच्छे से ये भी नहीं पता कि मीम्स होते क्या है, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मेरी वो दुनिया ही, तो लोग आपको बनाते रहेंगे, ट्रॉल करते रहेंगे, MBHI वाले को नहीं छोड़ते। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में हम आपको मिलवाते हैं वैसी हस्तियों से जिन्होंने अपने जिंदगी में अपने दम पे एक मुकाम को हासिल करा है। जी हां, आज भी हम अपने इस शो में एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किए हुए हैं जिन्होंने अपने दम पर बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से निकलकर नेशनल लेवल पे अपनी एक पहचान बनाई है। नेशनल लेवल पे वो पब्लिक स्पीकर के रूप में, मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर शशीश कुमार तिवारी सर के बारे में। ये इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर होने के साथ साथ कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉरपोरेट्स में भी जाकर के अपने टॉक डिलीवर करते हैं। नो डाउट सर की जो जर्नी रही है, विश्वास मानिए, बहुत ही अधिक इंस्पायरिंग जर्नी है, जो अगर आप इस शो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इससे बहुत ही अधिक बेनिफिटेड होने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने इस शो में सर का स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच अनुराग सर। नो डाउट आज आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है अपने जिंदगी में, एज ए पब्लिक स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर या नेटवर्क मार्केटिंग कोच के रूप में आप एक ऊंचाई पे हैं। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने ये जो पब्लिक स्पीकर बनने के बारे में सोचा होगा कभी ना कभी, आपने ये जो ख्वाब लिया होगा ये कब लिया था? क्या ये बचपन से ही आपके दिमाग में था कि मेरे को एक पब्लिक स्पीकर बनना है, या लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे इंस्पायर होकर के आपने अपने आप को एज ए पब्लिक स्पीकर आगे बढ़ाना मुनासिब समझा? सर एक्चुअली जब मैं पटना के अंदर आया, तो पटना में जब मैं आया तो 8वीं का एग्जाम पास करके मैं पटना के अंदर आया, और 9th में मेरी एडमिशन हो गई एक CBSE स्कूल में, जहाँ मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और वो क्लास मुझे छोड़ना पड़ा। 8 से 9 मेरे के बाद मुझे CBSE स्कूल जो है वो ड्रॉप करना पड़ा, फिर मैं हिंदी मीडियम में आया, फिर मैंने मैट्रिकुलेशन पास की, फिर मैंने इंटरमीडिएट पास की। तो वो जो एक डिफीट होने का एक कसक आप कह सकते हैं कि वो एक चीज़ थी कि मैं इंग्लिश के चलते मुझे CBSE छोड़नी पड़ी, और मेरे जो क्लासमेट्स थे, मैंने कई बार अपनी कहानियों में भी सुना है कि वो बड़ा मजाक उड़ाते थे मेरा कि तुम तो टॉपर हो। मैंने 8th के बोर्ड में टॉप किया था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और यहाँ आके मैं सबसे नीचे था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे पटना के अंदर। तो वो एक जो मजाक वाली बात थी, वो मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेके मैंने ये समझ लिया था कि इंग्लिश मेरी जिंदगी का एक चैलेंज है और इसको मुझे ओवरकम करना है, मेरा एक युद्ध था इंग्लिश से। और फिर मैंने इंग्लिश की कोचिंग सेंटर ज्वाइन की, और वहां से मुझे फिर एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे अच्छा वक्ता बनना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो वहां से ये टर्निंग पॉइंट था। हाँ, लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का ऐसा कोई ये नहीं था कि ख्वाब था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा या शायद यही करियर में करूंगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो वहाँ से एक आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव, एक बीज आप कह सकते हैं कि वहाँ से, क्योंकि स्टेज पे जाना, होस्टिंग करना, तो वहाँ से मुझे ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली कि मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, या फिर टीचिंग तो मैं कर रहा था। 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो टीचिंग तो पहले से कर रहा था, बाकी ट्रेनिंग का काम डायरेक्ट सेलिंग ने सिखाया। दैट्स ग्रेट। तो आप इंग्लिश पढ़ाते थे। या एक चीज मैंने कॉमन देखा है कि आज ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो कहीं ना कहीं पहले इंग्लिश पढ़ाते थे मुझे ऐसा लगता है कि गुड टीचर्स आर गुड मोटिवेटर्स। जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, आप कई लोग को हम लोग जानते हैं, आप खान सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, राइट, और फिजिक्स वाला सर भी इंग्लिश नहीं पढ़ाते, ए टू मोटिवेशन भी इंग्लिश नहीं पढ़ाते, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो अच्छे मोटिवेटर तो होते ही, क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपनी क्लासेस में। तो जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश चूंकि कहीं ना कहीं पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके एक काम करती है, बाकी के सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट पे केंद्रित होते हैं, लेकिन इंग्लिश
हमेशा पर्सनालिटी को डेवलप करती है, तो वहाँ डिबेट पहले से होता है, वहाँ स्पीच कॉन्टेस्ट पहले से होता है, तो इंग्लिश के टीचर्स के पास मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक स्पेशल इज है कि वो चाहे तो जल्दी से अपने आप को ट्रेनर के रूप में या मोटिवेटर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप स्टूडेंट्स को या जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है उन्हें आप ये सजेस्ट करेंगे कि जिंदगी में एक बार तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी ही चाहिए? करना ही चाहिए। आप और हमने कई बार साथ में काम किया, तो मुझे लगता है बिल्कुल कि एक बार जिंदगी में, और मुझे ये लगता है कि भारत में हर इंसान, अगर आप साउथ इंडिया को छोड़ दे, मुझे नहीं पता कहाँ की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जहाँ जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती वो जिंदगी में एक बार प्रयास तो जरूर करता है कि मुझे इंग्लिश आ जाए। वो जुड़ता भी है, वो जाता भी है, अलग बात है शहीद हो जाता है। Exactly. अधिक दिन तक लोग टिकते ही नहीं इंग्लिश की क्लासेस में। आप जानते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस में ड्रॉप आउट बहुत अधिक, लोग एडमिशन ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। Exactly. तो लेकिन फिर भी अगर आप ना भी टिक पाए, लेकिन ना टिक पाना तो गलत है थोड़ा सा, आप ना भी सीख पाए तो टिकना चाहिए। एग्जैक्ट, इंग्लिश की क्लास में टिके रहना चाहिए। आप बेवकूफ बन के रहो, बेशरम आपको माना जाएगा कि ये बिल्कुल वाहियात बच्चा है, लेकिन आप छोड़ के मत बाकी। Exactly. वो 3 महीने, वो 90 डेज या 30 डेज जो भी क्लासेस हैं, वो आप रह जाइए। No. वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल देगा। क्या बात है। तो जब ये शहीद होने की बात आपने करा, तो यहाँ पे पूछना जरूर चाहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये शहीद क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या ऐसी चीज है जिसपे वो काम करे तो वो इस शहीदी से बच सके। अभी हाल फिलहाल में भी मैं, मेरे जान पहचान में एक बच्चा है, उसने ज्वाइन किया इंग्लिश की कोचिंग, और जब मैं घर पे पहुंचा एक दिन उनके, तो मैंने पूछा कि और सब कैसा चल रहा है, तो मुझे पता चला कि छोड़ दिया उसने, वो अब क्लास नहीं जा रहा। तो देखिए रीजन क्या होते हैं कि इंसान बिना किसी स्ट्रॉन्ग वॉय के इंग्लिश की क्लासेस में चला जाता है। Exactly. और आप रिश्तेदार से बात हुई, किसी से बात हुई, या कोई दोस्त अच्छा बात कर दिया तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो गया। Exactly. अब उसको लगा कि मुझे तो इंग्लिश ठीक नहीं है, वो निकल गया, इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, पैसा दिया, लेकिन उसके पास कोई अपना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मुझे इंग्लिश सीखनी क्यों है। Exactly. मैं बोलना क्यों चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन क्यों ठीक करना चाहता हूँ, इसका कोई खास कारण नहीं है। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग वॉय ना होना, दूसरा कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट नहीं। तो जब आप कमिटमेंट करके जाएंगे कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे लोग बेवकूफ समझे, मैं ना सीखूं, मैं ना बोल पाऊं, मुझे कुछ भी ना आए, लेकिन एक कमिटमेंट तो कर सकते हैं ना कि मैं छोड़ के भागूंगा नहीं। Exactly. तो ये कमिटमेंट आपके बदले दुनिया में और कोई नहीं करने वाला, वो आपको ही करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक माइंडसेट लेके जाइए कि मुझे छोड़ के नहीं भागना, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन तैयार कीजिए कि मैं सीख क्यों रहा हूं। Exactly. हम लोग के पास रीजन था, मैंने आपको कहा कि मुझे इंग्लिश से एक जंग थी क्योंकि उसने मुझे हराया था, उसने पहले मुझे हराया था, बाद में मैंने उसको हराया। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि तुमने हराया, तुमको छोड़ेंगे नहीं। Exactly. और गांव के लोग थे हम, हमने तो घुटना जहां गाड़ दिया गाड़ दिया, अब खेत किसी की भी हो, गड़ गया तो गड़ गया। तो वो चीजें मुझे लगता है कि माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है और वॉई कमिटमेंट बहुत पुअर है लोगों की। आपने सर एक कम्युनिकेशन टर्म का इस्तेमाल करा था अपने टॉक के दरमियान, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंग्लिश बोलना और ये कम्युनिकेशन, ये दोनों एक चीज है या फिर ये दोनों अलग है? अलग है तो इसके बारे में बताएं। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है कि इसमें सिर्फ बोलना नहीं आता, फिर उसमें सुनना भी आता है। Exactly. और सिर्फ सुनना भी नहीं आता, समझना भी आएगा। सिर्फ समझना ही नहीं आएगा, फिर उसके प्रति आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा भाई। और बोलना, तो इंग्लिश अगर कोई बोलने गया है तो मुझे लगता है कि जो अच्छे ट्रेनर्स हैं वो उसको ये भी सिखाएंगे कि तुम्हें सुनना भी है, वरना उस बोलने का कोई फायदा नहीं जो सुनता ही ना। तो आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे किसके लिए? एग्जैक्टली, अगर मैं आपको सुनूंगा तो मैं आपके लिए बोल पाऊंगा। Exactly. अगर मैं आपको आधे घंटे सुन सकता हूँ तो मैं आपके लिए 1 घंटे बोल पाऊंगा। क्या बात? क्योंकि मैं आपको सुन चुका हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि आपसे बात करनी क्या है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक बड़ा पार्ट हो गया, स्पीकिंग उसका एक पार्ट हो गया, मतलब ये बड़ी चीज हो गई, स्पीकिंग एक पार्ट है, ऐसे और भी कई चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में है। तो आपने अपने आप को एज ए पब्लिक स्पीकर आज एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत करी होगी तो आपको कई सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा होगा, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए जब YouTube के ऊपर हम लोग आए, ऐसे उसके पहले भी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी, तो जो लोग मुझे जानते थे, जो मुझे पहचान रहे थे, जहाँ पे मैंने कभी कंपनियों के लिए, अगर किसी बंदा, कोई बंदा है जो मुझे पहले से जान रहा है, तो वो अपनी कंपनी को बताता था कि सर की ट्रेनिंग करवा दो, तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती थी, इस तरीके से मुझे ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल का दौर था, ट्रेनिंग तो मिलती थी लेकिन उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता था। दूसरी चीज की वो
किसी ना किसी लीडर ने कहा कंपनी को, या कोई स्टूडेंट है उसने कह दिया कॉलेज को कि सर को बुला लीजिए, या कोचिंग वाले को बोल दिया बुला लीजिए, लेकिन वो पर्सनली मुझे नहीं जानते थे क्योंकि कोई खास आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हुई थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल था, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद जो एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई उससे फिर मुझे लोग जानने लगे और मुझे डायरेक्टली फिर जो असाइनमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, सेशंस हैं, वो मिलने लगे। तो वो आसान यूट्यूब ने किया। क्या बात है सर, आपने यूट्यूब का जिक्र करा, तो अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आप पब्लिक स्पीकर थे और आपको यूट्यूब पे चैनल बना के अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को लोगों को दिखाना था, लोगों को सिखाना था, लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करना था, तो आपने यही नाम क्यों चुना? मतलब आप कोई और भी निश ले सकते थे, नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना आपने? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कर रखी थी और लगभग 5 से 6 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से की थी, वो शिद्दत के साथ। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो मेरी फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे पास फिलॉसफी है, जो मेरे पास दर्शन है इस काम का, वो शायद सबके पास नहीं है। और जो मेरी मोहब्बत है इससे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस निश पे बहुत बढ़िया काम कर पाऊंगा और जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा ताकि वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। तो इसके चलते मैंने ये नाम भी जो चुना वो थोड़ा सा अलग नाम है, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो अच्छा लगा भी लोगों को और इस नाम के भी चलते बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बने। और कुल मिला के जिस चीज़ पे हमारे पास अच्छी नॉलेज थी, मैं चाहता था कि उसी चीज़ को लेके हम लोग कंटेंट बनाना शुरू करें। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे कंटेंट के लिए मुझे गूगल नहीं करना था, जहाँ मुझे किसी को पढ़ना या गूगल करने की आवश्यकता नहीं थी। जो मेरा 5 साल था, जो मेरा 6 साल था, जो मेरे पास जो अनुभव थे वो अनुभव काफ़ी थे कंटेंट क्रिएट करने के। और मुझे पता था कि अगर हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो एक दो वीडियो से काम नहीं चलेगा। YouTube का मतलब है कि आपको सैकड़ों वीडियोस बनाने हैं, यानी कंटेंट चाहिए। और वो कंटेंट मुझे लगा कि नहीं, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बढ़िया, और हम नया कंटेंट देंगे, ये भी हमें विश्वास था कि हमारा कंटेंट अलग होगा। और लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, हमारा कंटेंट अलग है, और वही रीज़न है कि आज 2 करोड़ से अधिक व्यूज है हमारे पास। क्या बात है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब अभी मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँगा, क्योंकि ऑडियंस को आपने बताया कि हमारा जो पर्सनल कोर नॉलेज था उसका इस्तेमाल करके मैंने अपने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। तो आप अगर कोई ऐसा इंसान जो वीडियो को देख रहा है यूट्यूब पे अगर काम करना शुरू करे तो उसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बस सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका इंटरेस्ट जोन रखे, ये आपको खोजना होगा कि इंटरेस्ट किस चीज़ में आपका। अगर आपका इंटरेस्ट आपको पता चल जाए, और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद से है कि आप कमिटमेंट कर लें कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, कमिटमेंट फॉर कंसिस्टेंसी, कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा, चाहे व्यूज़ आए चाहे व्यूज़ ना आए, लोग उसको देखें ना देखें, बट आई विल बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी के बाद एक चीज़ आती है दैट यू विल एनालाइज एंड यू विल इम्प्रूव। नो डाउट, अगर चीज़ें नहीं हो रही तो आप उसे देखेंगे कि क्यों नहीं हो रही और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आप बेटर कर सकते हैं, ये आपका काम है। तो मुझे लगता है कि YouTube चैनल बनाने के लिए बहुत नहीं सोचना चाहिए, कई लोग काफ़ी अधिक सोचते हैं। मैं आपको अपना बताऊं कि भागलपुर से जब हम लोगों ने ये चैनल शुरू की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक अच्छा कैमरा भी नहीं था, एक DSLR कैमरा नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने तो पहले, आप मेरी पहले की वीडियोज देखिए, वो सब वॉइस ओवर है, हमने ऑडियो रिकॉर्ड की है और एडिटर ने अंकित, उन्होंने सारी चीज़ें एडिटिंग की है। तो इस तरीके से हम लोग वीडियोज बनाते थे। और बहुत देर के बाद जब हम लोगों ने एक कैमरा खरीद लिया तब जाके हमने वीडियोस बनाना शुरू किया, उससे पहले तो सब वॉइस ओवर है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि आप रिसोर्सेज का इंतजार ना करें, शुरुआत करें, आप शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें, कंटेंट पे मेहनत करें, क्योंकि कंटेंट इज द गेम चेंजर। तो कंटेंट गेम चेंजर है, तो उसमें तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, वो आपका काम। और अगर आप शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स हैं वो घटते ही चले जाएंगे, मतलब और आप बेहतर होते चले होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक शहर का नाम इस्तेमाल किया है, भागलपुर, बहुत पॉपुलर शहर है, कई बार विवेक बिंद्रा भी यूज करते हैं भागलपुर के रूप में जाना जाता है। और नो डाउट, मतलब अगर बिहार में देखा जाए तो पटना राजधानी के बाद भागलपुर भी एक नामी सिटी में आप काउंट कर सकते हो। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आप हैं गोपालगंज से, बिल्कुल रहे पटना में, पढ़ाई पटना में, चल गए भागलपुर, चले गए भागलपुर, मतलब ये क्यों? एक्चुअली मैं गोपालगंज से निकल के तो पटना आया, और पटना में मेरी सारी एजुकेशन हुई आगे की, ग्रेजुएशन तक, फिर वहीं पे मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, और नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो करियर है मेरा पटना में ही शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपसे
नेटवर्क मार्केटिंग में एक टाइम आया, एक ऐसा पर्सनल मैं कह सकता हूँ, एक ऐसी घटना हुई जहाँ मुझे मालिकों से थोड़ा सा दुख हो गया, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर दी। और जब मैंने क्विट की तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या था, टीचिंग, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग करना आता था। तो मेरे पास दो ऑप्शन था कि या तो मैं पटना के अंदर पढ़ाना शुरू कर दूँ या तो किसी और शहर में चले जाऊँ। तो पटना के अंदर मुझे बहुत लोग जानते थे तब, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत जल्दी स्टेज पे आ गया, और कोई ऐसा सेमिनार नहीं था जहां मैं स्टेज पे नहीं था। आई वॉज द होस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स, जितने इवेंट्स होते थे तो मुझे 10,000 से अधिक लोग जानते होंगे पटना उस टाइम तक, जब मेरे पास ये डिसीजन लेना था कि मुझे पढ़ाना कहाँ शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं भागलपुर तब गया था और वहीं पे मुझे एक इंसान मिल गए, उन्होंने कहा कि हम कोचिंग चला रहे हैं सर, यहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं, क्या बात है, तो अच्छा होता कि आप इंग्लिश पढ़ा देते। और उसी समय ये सब कुछ चल रहा था, तो आप कह सकते हैं कि मुझे, और मैं ये भी चाहता था कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां लोग मुझे नहीं जानते और मैं जीरो से शुरू करूं। तो भागलपुर में मुझे उतने लोग नहीं जानते थे, तो चैलेंज लेने का शौक भी तो है तो हमें कंफर्ट से प्यार भी नहीं है, तो चैलेंजिंग चीज अच्छी लगती है। हमने चैलेंज लिया कि नहीं भागलपुर से पढ़ाएंगे, और वहां फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो और मेरी मंशा भी थी कि हम छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचे, छोटी जगहों पे पहुंचे जहां और लोग नहीं पहुंच पाते, और वहां के बच्चों को हम लोग कुछ दे पाए, और सच में ये हुआ। क्या बात है, यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना चाहेंगे ऑडियंस को जो देख रहे हैं, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं या बनने का सोच रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में विशेष कुछ जानकारी चाहते हैं तो सर के चैनल पे तो बिल्कुल जाइए, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे। लेकिन सर की एक एक्सक्लूसिव वीडियो इसी चैनल पे इस इंटरव्यू के रिलीज होने के कुछ दिन बाद आएगी, तो जुड़े रहिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सर फिर से चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब आपसे एक और सवाल सर, आप भागलपुर में कोचिंग शुरू किए, लोगों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, शुरुआती दौर में जब आपने अपना करियर एज ए टीचर शुरू किया होगा तो आपको बहुत ही कम पैसे मिलते होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन आज जब आप एक पब्लिक स्पीकर है, शुरुआती दौर में हो सकता है कि पूरे महीने का एक सैलरी मिलता है, बिल्कुल आज आपको हर एक टॉक के पैसे मिलते होंगे, तो ये सफर कितना बड़ा है, कितने कम से आपने शुरू करा और ये अब कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में जरूर बताएं। बचपन में मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, अब उतना अच्छा नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा सा अनुमान लगा के और गणित करके और उसे कमेंट में बता देंगे। तो जब मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने 4,000 की नौकरी से शुरुआत की अपनी जिंदगी, मतलब मुझे 4,000 रुपये मिलते थे, और मैं बड़ा पैशनेट था पढ़ाने को लेकर, मैं पैसों के लिए पढ़ा भी नहीं रहा था, मैं सीखने के लिए पढ़ा रहा था, मुझे अच्छा लगता था। तो 4,000 से हमने शुरू किया और अभी एक टॉप का 2 से 2.5 लाख, तो वो क्या गणित हुआ, कितना ऊपर बढ़ा, वो कमेंट में कुछ लोग बता देंगे, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के भी बच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक हमने गैप और वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी तय की, और मुझे लगता है ये कोई भी कर सकता है अगर इंसान कंसिस्टेंट रहेगा। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट में देखता हूँ कि हम वहाँ से हट गए तो कोई और टीचर आ गया, कोई यहाँ पे रहा होगा जो और भी ऊपर चला गया होगा। अब मुझे पता है कि आप भी जान रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के कई ऐसे ट्रेनर और मोटिवेटर को जानते हैं जो आज से आप 7 साल पहले चले जाइए वो 5 पे थे, वो 3 पे थे, 3 लाख पे थे, वो 5 लाख पे थे उनकी एक टॉक, आज वो 15 पे, आज वो 17 पे, तो वहां कोई आ गया, ये ऊपर निकल गए। सो लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट होता है, आप बने रहिए आपको रिप्लेस कर देगी ये प्रकृति, अपने आप आपको रिप्लेस करते जाएगी। आप बने रहिए, आप चलते रहिए, मतलब बस भीड़ में रहिए, बस निरंतरता बरकरार रखिए, रिप्लेस होते रहेंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर के आपके जो प्रीवियस चीजें वो रिप्लेस होगी और कुछ अच्छी चीजों से ही वो रिप्लेस होगी, बस आपको लगे रहना है, मेहनत निरंतरता के साथ करते रहनी है। That's an amazing thing. आपके बारे में जो मैं जानता हूँ उसके आधार पे कुछ सवाल, आपने बहुत सारे टॉक्स लिए, आपने कॉर्पोरेट्स के लिए टॉक लिया, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए टॉक लिया, लेकिन एक बार आप इंडियन आर्मी के लिए भी जाके टॉक लिए हैं, तो बाकी के टॉक्स और इंडियन आर्मी के लिए जाके टॉक लेना, ये दोनों में कहीं ना कहीं अंतर जरूर रहा होगा, तो हम जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस ऑडियंस तक पहुँचे। वो बहुत बड़ा दिन था और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था, और जब मैंने ये बात पापा को बताई, घर को बताया, तो वो बड़े खुश हुए क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी से हैं, आप जान रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में जाके टॉक लेना ये मतलब इससे बड़ा मतलब सौभाग्य और कुछ भी नहीं। तो मुझे जो हमारे एक गुरुदेव हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी सर, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि एक मोटिवेटर हैं उनको आप लेके आइए, वो मोटिवेट करेंगे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, अब मैं आपको बताऊँ कहानी, तो जब हम लोग हॉल में पहुंचे, जो ऑफिसर थे उनकी कमांडिंग ऑफिसर,
तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है जो टॉक लेंगे, तो बोले यही तो है क्योंकि देवज्योति सर इज मतलब मुझसे 5 गुने। हाँ तो मैं पतला दुबला सा इंसान, 2018 की शायद ये बात है, तो ऑफिसर ने कहा कि वो कहाँ है जो टॉक लेंगे, उन्होंने कहा यही लेंगे। तो उसको बड़ा शक था कि ये ले भी पाएगा कि नहीं लड़का टॉक, और उसके बाद से टॉक हुई और ऊपर वाले के आशीर्वाद से क्या शानदार टॉक रहा। मैं आपको बताऊं कि हाँ मैंने कुछ कुछ लोगों से पूछा था कि मुझे टॉक में क्या बात करनी चाहिए, क्या किस तरीके से चीज़ें, तो मैंने कुछ कुछ लोगों से ये आइडियाज़ भी लिया था, कंटेंट डेवलप किए थे, मेहनत की थी इसके लिए, और 1 घंटे का टॉक था वो, और उसके बाद से 1 घंटे की फोटोग्राफी, बहुत अच्छा रहा। और मुझे मतलब मेरी जिंदगी में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सर, टू गॉड, टू एवरीवन, राइट, कि वो दिन आया। और मुझे कई लोगों ने पर्सनली कहा कि सर हम 38 साल से हैं, कोई किसी ने कहा कि सर हम 25 साल से हैं, और 25 साल में ना जाने कितने लोग यहाँ पे बोलने के लिए आए हैं, बट यू आर अमेजिंग। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो मतलब वो अंदर मैं एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ, सच अ बिग इवेंट ऑफ लाइफ, इतनी अमेजिंग फीलिंग, राइट, दैट वाज अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। अब लेकिन जब बात इससे पहले पैसों की हो रही थी तो एक पॉइंट था वो छूट गया था, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। मैंने आपकी वीडियोस में देखा और आपको पर्सनली जानता हूँ, उस आधार पे भी कह सकता हूँ कि आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ था जहाँ पे आपको किसी कंपनी ने 75 लाख ऑफर किए थे और आपने उसे ठुकरा दिया। तब मैं भागलपुर में पढ़ा रहा था, तो व्हाट वाज द रीजन क्या था एग्जैक्टली, और क्यों आपने दो तीन चीजें थी मतलब जिस कंपनी ने ऑफर किया था, इट वाज ऑल ओके, राइट। और मैं जब ये चीज़ें आई थी 75 लाख पर एनम के लिए, एक्चुअली मैं छोड़ना मतलब मैं जाना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, 75 लाख ऐसे नहीं आया था वो ऑफर, मुझे मना करना था, तो मना करने का कोई वे नहीं मिल रहा था मुझे। तो मुझसे किसी ने कहा कि सर बड़ा अमाउंट बोल दो, वो मान जाएंगे, वो आपको ना कह देंगे। मैं पहले कर चुका था ट्रेनिंग उन लोगों के लिए, मतलब उस कंपनी के लिए मैंने 4 ट्रेनिंग कर दी थी, तो बिजनेस बहुत अच्छा आया था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। अब वो चाहते थे कि मैं सबको छोड़ के और उनकी ट्रेनिंग संभालूं। तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने कहा कि सर आप ज्यादा बोल दो, तो मैंने कहा 50 बोल देते हैं। तो उसने कहा 50 मत बोलो, दे देंगे, और आगे बोलो, राइट। तो मैंने और आगे बोला, तो जब हमने 75 बोल दिया तो हम निश्चिंत हो गए कि अब हमें वहां से कोई बुलावा नहीं आएगा। लेकिन उसकी 1 दिन के बाद कॉल आया कि सर आप आ जाओ, राइट, हम आपको देंगे, राइट। लेकिन उस समय हम लोग भागलपुर में काम कर रहे थे और बच्चों के लिए काम कर रहे थे, मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं उसे क्विट करके और पैसों के लिए वो अपना काम जो बच्चों के साथ हम लोग अभी जुड़े हुए थे, तो वो छोड़ना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था। और मुझे लगा कि नहीं, पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, लेकिन जो काम यहाँ करने आए हैं भागलपुर में वो हमें करना चाहिए। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। शुरुआत में जब हम लोगों ने टॉक शुरू करा तो आपने एक बात शेयर करा था कि CBSE में आपका कहीं ना कहीं सफर बहुत ही शानदार नहीं रहा, आपको क्विट करके फिर वापस से बिहार बोर्ड में आना पड़ा था। लेकिन आज आप इतने बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, तो वहाँ के जो आपके सहपाठी थे उनका तो एक अलग रिएक्शन होना ही लाजमी है, लेकिन जब आप गांव लौटते हैं, गोपालगंज जाते हैं, तो आज वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? भोजपुरी में बात करते हैं, गाँव जाते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं। ऊपर से गांव के लोगों को ये पता था कि ये मैं, दो भाई हूँ तो मेरे बड़े भाई हैं, तो हम दोनों ही अच्छे क्रिकेटर थे, और मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता हूँ, मैं शतरंज भी अच्छा खेलता हूँ, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो मैं पहले से ही मतलब थोड़ा ना वो तेज वाला बच्चा जो नहीं होता, थोड़ा एकदम हलचल वाला एकदम, तो वही मैं रहा हूँ। और पढ़ने में भी मैं अच्छा था, बोरा छाप पे, लेकिन टॉपर तो था ही, मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था, तो वो तो जानते थे कि बच्चा अच्छा है। तो आज वो कहीं ना कहीं, अब तो फेसबुक इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो वो देखते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं वहाँ पे वही हूँ जो था, तो मैं अपनी ये आइडेंटिटी लेके मैं वहाँ पे नहीं जाता। तो हाँ, मैं वहाँ पे बिल्कुल एक गाँव का जो बच्चा हूँ, वो गाँव जिसने मुझे सींचा है, जहाँ से मैं निकला हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो स्टेज का शौक है ये गाँव से मिला है। उस समय गाँव में नाटक होते थे, वो जो छठ पूजा दिवाली उसमें नाटक होते थे, तो नाटक में मैंने ना बचपन से रोल किया है, तो बचपन से ही स्टेज पे मैं गया, और वही मुझे लगता है कि अगर वो गांव का वो नाटक ना होता, वो भोला बाबा ना होते, वो रिहर्सल ना होता, वो 11-11 बजे रात तक हम लोग रिहर्सल करते थे, मैं छोटा सा बच्चा मैं रिहर्सल में जाता था, मैंने बड़ा रुलाया लोगों को और बड़ा हंसाया भी है, मैं दोनों तरीके की एक्टिंग करता था, तो वो मुझे लगता है कि वही स्टेज रिप्लेस होके
आज ये स्टेज हो गया, क्या बात है, मतलब हम लोग पढ़े हैं, रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे भी गांव में थिएटर्स हुआ करते थे, अरे और मैं भी उसका हिस्सा रहा, आप बोला बाबा क्या बात है। तो सीरियसली डायरेक्टर ने मतलब ये पब्लिक स्पीकिंग का जो कीड़ा है कहीं ना कहीं वो जो स्टेज का माहौल था उसने सींचा है, उसने वही सिंपल सी बात है रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली, आप आज यहाँ है कल कहीं और होंगे और ये अपग्रेडेशन तो लगा ही है बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, अगर आपके साथ अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो आपको अपने भीतर एक बार झांकने की जरूरत है, आपका सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है और फिर जो भी कमियां दिख रही है हमें लगता है उस पर आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। खैर यहाँ पे एक और सवाल सर, आपने फेसबुक का जिक्र किया कि लोग देख लेते हैं, बिल्कुल एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आज ज्यादातर फेसबुक के या सोशल मीडिया के यूजर्स वो कंज्यूमर साइड में, वो प्रोड्यूसर बहुत कम लोग हैं। तो ये जो कंज्यूमर साइड में लोग हैं वो अपना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं फेसबुक और अदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, आपके शॉर्ट्स देख करके, रील्स देख करके, तो इन लोगों को क्या सजेशन देंगे कि ये इस पे अपना एक कंट्रोल लगा सके? आपको बताऊं इन लोगों को तो बाद में मुझे लगता है कि अगर फेसबुक ना होता, मुझे लगता है कि अगर स्मार्टफोन्स ना होते तो आज मेरी नॉलेज जो आज है वो कम से कम 50 गुना दिख रही है। क्या बात है, तो मैं उनको कहूं इससे पहले मैं अपना ही बता दूं आपको, राइट। मुझे लगता है कि फोन्स ने जो डिस्ट्रैक्ट किया, और किताबों, मुझे याद है कि बचपन में जब किताबें आती थी, जब कहीं नई किताबें दिख जाती थी ना, इंसान लेके पकड़ के रखता था, मतलब मैं पढ़ता रहता था, मैं खोजता रहता था कि कहीं कोई किताब है क्या। अब वो जो एक इंटरेस्ट है, वो जो एक थ्रिल है किताबों के साथ, थ्रिल, वो थ्रिल मिस हो रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि फेसबुक और इंस्टा और इंटरनेट के इस जमाने में लीड वही कर रहा है जो रीड कर रहा है। रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग इज लीडिंग, इफ यू आर रीडिंग यू आर लीडिंग, दैट्स इट, एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग यू आर बीइंग लेड। सो जो रीड कर रहा है वही लीड कर रहा है। अगर आप इस जमाने में पढ़ सकते हैं आप दुनिया को लीड करेंगे, क्या बात। अगर इस जमाने में आप किताबों के साथ वक्त बिता सकते हैं तो आप शानदार होने वाले, आपकी जिंदगी शानदार होने वाली, क्या बात। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को भी आगे जाना है जिंदगी में और कुछ बड़ा करना है, जो सच में आने वाले वक्त में वहां नहीं रहना चाहते जहां वो हैं, उससे बहुत ऊपर जाना चाहते, तो उनको किताबों के साथ वक्त बिताना, इसे निश्चित कर लेना होगा कि मुझे इतना वक्त किताबों के साथ बिताना ही है, ये कर लेना होगा। फिर बाकी के वक्त में मैं फेसबुक करूं, इंस्टा करूं, यूट्यूब करूं, कुछ भी करूं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि इतना वक्त 3 घंटे किताब पढ़ूंगा, 4 घंटे किताब पढ़ूंगा, उसके बाद जो करना है करो, नाचो गाओ कुछ भी करो, राइट, क्या बात। लेकिन जब प्राइमरी काम हो जाए तो सेकेंडरी काम करो, ये ना कि सेकेंडरी काम को प्राइमरी बना दिया, प्राइमरी ना जाने कौन सा बन गया है वो आपको पता नहीं। क्या बात, दैट्स अमेजिंग, मतलब इट्स रियली वैल्यूएबल गाइडेंस टू द पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो। एक और सवाल सर यहाँ पे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भी हैं जो हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उन्हें क्या एक साथ कई सारे काम करने चाहिए, क्या उन्हें मल्टीपर्पस होना चाहिए, या उनका एक सिंगल फोकस होना चाहिए जिसपे वो लग करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, इस पे आप क्या बताएंगे? आपको लगता है कि कोई इंसान है जो मल्टी टास्किंग नहीं है, जो एक साथ कई काम नहीं कर रहा? बिल्कुल भी नहीं, हर कोई। क्या हम अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम कर, नहीं, हम कपिल शर्मा को भी देख, हम मूवीज भी देख रहे हैं, नो डाउट, हम ये भी बात कर रहे हैं कि मोदी ने सही नहीं किया, हम ये भी बात कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं, हम एक काम कर कहां रहे हैं और आप कभी नहीं कर सकते। फिर आपको हिमालय पे जाना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य में घुस जाएं तब हो सकता है कि एक ही काम करें, राइट। बहुत बड़े उद्देश्य में अगर आप कहीं समाहित हो गए हैं तब ये पॉसिबल है। एक आम इंसान के लिए जब आप उसकी जिंदगी देखते हैं तो उसका उसकी जो एनर्जी है वो कई कामों में डिस्ट्रैक्टेड है। मैं कहूंगा कि जो बेकार के कामों में आपका टाइम जा रहा है, आप किसी से गॉसिप कर रहे हैं, क्या वो काम नहीं है? हाँ, वो काम इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं मिलता। मैं आज आपसे कहूं कि सुनो 2 घंटे आपको काम करना है तो आप बोलोगे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, क्यों? मैं पढ़ाई कर रहा हूं। एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि ये काम आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका पैसा आना है। लेकिन जो आपने गर्लफ्रेंड से 4 घंटे बात की उसका तो पैसा आता नहीं, तो आपको लगता है वो काम नहीं है। भारत के अंदर एक सिंपल सी टेंडेंसी है कि जिस चीज के बदले पैसा मिले वो काम, वो काम है। Exactly. और जिस चीज के बदले पैसा ना मिले वो तो आनंद है, वो तो मजा है, वो काम नहीं है, मैं काम नहीं कर रहा, राइट। काम तो कर ही रहे हैं आप, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि हर इंसान की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साथ सिर्फ पढ़ाई ही ना करे, कुछ और भी कर सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अब ये जमाना तो नहीं रहा कि पहले पढ़ लो तब कमाना। Exactly. वो तो हमारे बाप दादाओं का जमाना था। No doubt. कि भाई पहले 30 साल तक पढ़ूंगा तब कमाऊंगा, exactly. पहले 25 साल तक पढ़ूंगा तब कुछ करूंगा। वो जमाना का, यहाँ तो 11 साल के बच्चे आपसे हमसे अच्छा कर रहे हैं। No doubt. 13 साल का कोई बच्चा आता है सीईओ बन जाता है, हमें और आप सबको चकमा दे दे। मतलब वो एक रात की नींद उड़ा देगा आपकी, अगर आप उसकी इंटरव्यू सुन ले तो, उसकी थिंकिंग सुन ले तो ये कैसे पॉसिबल है बिना मल्टीटास्किंग हुए? And at the same time, he is doing well in his studies also, right? Exactly. So this is possible. It's all about concentration. It's all about time management. And then it's mind management. Exactly. कि mind management किया कि नहीं? Exactly. Time management तो कर लिया. Mind manage कीजिए कि मुझे किस काम में time देना है. मुझे लगता है कि कर सकता है इंसान. हाँ, productive करे, unproductive काम ना करे. Exactly. बहुत भी ना कर ले. अब एक साथ 10 ना करे कि कहीं का ना रहे. हाँ. Exactly. दो तीन काम कर सकते। Exactly. मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू का बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस होने वाला है, क्योंकि आज के जो यूथ्स है कहीं ना कहीं उन्हें जैसे ही आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग की बात करोगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा लर्निंग की बात करोगे, तो दे पीपल विल बी लाइक यार नहीं, मेरे को तो नहीं करना, मैं तो मल्टीटास्किंग हो जाऊंगा, अपने फोकस से डिफोकस्ड हो जाऊंगा। पेरेंट्स को भी यही लगता है, यही लगता है, पेरेंट्स और डरते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, सेम टाइम वो बाकी के फालतू के वीडियोस देख रहे होते हैं, वो हजार कांड कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, वो पढ़ाई के अलावा हजार कांड कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। हां, लेकिन जैसे ही कुछ प्रोडक्टिव काम उनके लर्निंग के साथ फोकस करने की बात कर दो, तो उन्हें मतलब क्या पता किस तरीके की चुल मच जाती कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो सो आई कैन सी कि दिस कैन बी द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर दिस इंटरव्यू। एक्चुअली दिस विल डेफिनेटली हेल्प पीपल टू फिगर आउट कि कैसे हम अपने आप को वो दो चार पांच अपने इंटरेस्ट का काम ढूंढना है और उस पर फोकस होकर के हमें अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। नो डाउट आज आप लोगों के इंस्पिरेशन है, आप युवाओं के रोल मॉडल, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में भी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऐसा जरूर रहा होगा जो आपको बहुत अधिक इंस्पायर करता हो, आपको किक देता हो, वो क्या चीज है? प्लीज ऑडियंस को वो मैं आपको बताऊं, जो जहाँ से मैं इंस्पायर हुआ बोलने के लिए, सीखने के लिए, वो हमारे गुरु रहे शकील अख्तर। तो जब मैं इंग्लिश सीखने के लिए जाता था तो मैं वहीं उन्हीं से इंग्लिश सीखता था, तो शकील अख्तर की जिंदगी से जो कुछ भी मैंने सीखा, मैं मुझे वहाँ से जितना इंस्पिरेशन मिला उतना कहीं से नहीं मिला। बाकी फिर जो रोल मॉडल्स हैं, जो इंस्पिरेशन हैं, वो कई लोग हैं, मैं कई लोगों से सीखता हूँ। लेस ब्राउन हो गए, राइट, साइमन सिनेक हो गए, और भी कई लोग हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, तो कई लोग हैं। लेकिन आप शुरुआती अगर प्रेरणा की बात करें, जहाँ जिनको देख के मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ और मैंने जो सारी चीज़ें की, वो शकील अख्तर है, वो मेरे गुरुदेव हैं, जहाँ से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली और उनको देखता था मैं कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, क्या स्टाइल है उनका, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे एक सवाल होगा सर आपसे कि लाइक आज कहीं ना कहीं हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। हमने चुना कि मुझे इन्हें सुनना है, हमने चुना कि मुझे इन्हें देखना है, हमने चुना कि मुझे इन्हें पढ़ना है, लेकिन आज का एक जो कॉमन मास है, जिसको आप कह सकते हो कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि मुझे किन्हें सुनना चाहिए, किन्हें पढ़ना चाहिए, किन्हें देखना चाहिए, तो ये आइडेंटिफिकेशन वो कैसे करे कि किन्हें वो सुनने, किन्हें वो देखे और किन्हें वो पढ़े, ये कैसे वो आइडेंटिफाई कर सके? देखिए, मुझे लगता है कि हर इंसान अलग है, आप हम सब अलग अलग लोग होते हैं और हर लोगों के स्टाइल के लोग हैं, आपको क्या सूट करता है ये आपको देखना होगा। अब जैसे देखिए, आप टीडी जैक्स एक स्पीकर है, टीडी जैक्स आपने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि मेरा नेचर एग्रेशन वाला है कि मैं भी एक एग्रेसिव स्पीकर हूँ, मैं भी वैसे ही बोलता हूँ। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो शांत तरीके से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका जो नेचर है वो किससे मैच खा रहा है, क्योंकि वैसा ही आप बन पाएंगे, आपके लिए आसान होगा, तो वैसे लोग को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या। तो मुझे जो बनना है, मैं उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखूंगा या स्पीकर्स को देखूंगा या किताबें पढ़ूंगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आ गई कि आपका गोल क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आप होना क्या चाहते हैं। जब ये डिसाइड होगा ना, तो ये डिसाइड करना आसान होगा। Exactly. अब मान के चलो मुझे कपिल शर्मा नहीं बनना, तो मैं देखूंगा, कभी कभी देखूंगा, एंटरटेनमेंट के, मैं रोज नहीं देखूंगा। नो डाउट। लेकिन टीडी जैक्स को, जिम रॉन को, बाकी लोगों को, इनको मैं रोज देख सकता हूँ। क्यों देखूंगा? क्योंकि मुझे इनके जैसा बनना है, मेरा प्रोफेशन ये है।
हाँ बाकी चीजें मेरे प्रोफेशन को मैच नहीं करती, तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखूंगा, लेकिन मैं एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं देखता। हाँ किसी को बनना ही, मान लीजिए किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनना, भैया तो कपिल शर्मा आपका वही गुरु है, राइट? हाँ और भी जो लोग हैं, राइट, मैं नाम नहीं जान रहा, कई लोग हैं लेकिन हम लोग देखते हैं, तो वो आपके गुरु। सर अब हम लोग इंटरव्यू के अंतिम पायदान पे हैं, फाइनली आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, एंड निस्संदेह ये लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इतना सब कुछ बेहतरीन जिस इंसान की जिंदगी में दिख रहा है, इतना सब कुछ हासिल कर लिया हुआ जो इंसान आज उनके सामने ये इंटरव्यू दे रहा है, उनकी भी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता होगा जब वो टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, जब कभी कभी डाउन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर से कुछ ना कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप उसे कैसे डील करते हैं? देखिए टफ टाइम्स तो बहुत आए और मैं तो अभी को भी टफ टाइम ही मानता हूँ, राइट? अभी भी जो सारी चीजें चल रही है, देखिए टफ टाइम हमेशा रहे क्योंकि चीजें आसानी से तो हुई नहीं है और वहाँ हमने मेहनत की है, तो स्ट्रगल तो मुझे लगता है कि आज भी है और मुझे लगता है कि आने वाले, मुझे लगता है अंतिम सांस तक स्ट्रगल चलेगी। हाँ लेकिन जो टफ टाइम्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसे टफ टाइम्स आए हैं, बहुत खराब खराब भी दौर आए और उस समय हाँ एक चीज बस अच्छी रही कि मुझे इतना हमेशा से पता था कि मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। टफ टाइम्स आए हैं, कई बार चीजें बहुत खराब हो गई हैं, फाइनेंशियली भी बहुत खराब दौर रहा है, लेकिन इतना पता था कि हम ओवरकम कर लेंगे। तो जब ये पता होता है कि हम ओवरकम कर लेंगे तो बहुत अधिक उदास होने का आपको वक्त नहीं मिलता, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं जब आपको ये पता है कि आप ओवरकम कर लेंगे, तो मुझे ये पता था कि हम ओवरकम कर लेंगे, इसलिए टफ टाइम्स आए लेकिन हम उससे अधिक टफ थे। क्या हम लोग आगे निकल गए, राइट? दैट्स अमेजिंग। मतलब आपके जिंदगी में कभी भी टफ टाइम आए, आप कभी भी जिंदगी में टूटने के कगार पे हो, तो अपने आप को इतनी मजबूती से खड़ा रखो कि दुनिया में किसी भी प्रकार के ट्रबल्स, किसी भी प्रकार की परेशानियों का आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट। कई बार मेरा अभी सेमिनार है, मान के चलिए मुझे सेमिनार लेना है, सेमिनार मान के चलिए 3 बजे से, मैं 2 बजे रो रहा हूँ और मैं रो के आंसू पोंछ के और फिर सेमिनार लेने के लिए गया, तो मैं जाके वहां पे 300 लोग हैं, 400 500 लोग हैं, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए जा रहा हूं और 2 बजे मैं खुद रो रहा हूं। लेकिन वो सारी चीजें हमें कभी भी बहुत डाउन में लेके जा नहीं पाए, इट वाज लाइक कि ठीक है, इट्स ऑल ओके, कर लेंगे, और फिर वो सारी चीजें मुझे याद है कि ये सारी जो घटनाएं, ये किसी को पता भी नहीं है कि इंसान किस किस चीजों से गुजर के और कहां तक पहुंचा है। कुछ चीजें आपकी बड़ी पर्सनल होती है, तो आपके पास ही वो रहती है सिर्फ, तो आपको पता है कि तो ये मैं बस यहाँ के दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि मेरा 3 बजे टॉक है और मैं 2 बजे रोके और फिर उसके बाद से स्टेज पे गया। हाँ लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपका साथ देता ही है, वो आपके साथ ही है कहीं ना कहीं, वो आपको देख रहा है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। और मैंने कहीं ये बात पढ़ ली थी किसी मैगजीन में कि जब आप ईश्वर को, जब आपको ना कुछ बड़ा बनाना होगा तो सबसे पहले वो चाहेगा कि आप ईश्वर से विश्वास करना छोड़ दें, और वो आपको इतना दुख देगा, इतना स्ट्रगल देगा कि आप एक बार तो ये कह ही दें कि यार ईश्वर है ही नहीं, या आपको उससे नफरत हो जाए। लेकिन अगर आप उससे बच गए और उस टफ टाइम में भी, उस बुरे दौर में भी आपने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, वो आंसू उठा लेते हैं। और मैंने तो अनुभव किया है कि ऐसा बिल्कुल होता है, वो उठा लेता है फिर आपको। True. आप अपना विश्वास बनाए रखें। Exactly. और ईश्वर में विश्वास करना मतलब खुद पे विश्वास करना ना। Exactly. That's all about God का मतलब क्या कि हाँ आप कहीं ना कहीं अगर गॉड ने मुझे बनाया, सो इफ आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन माईसेल्फ टू, दैट इज ऑल अबाउट। तो आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं, गॉड फायदेमंद सौदा है, राइट? सो यू विल नेवर गो इनटू डिप्रेशन, राइट, इफ यू हैव गॉड विद यू। फाइनल सर, आपने एक बात बोला कि आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब लोगों के पास क्रिटिसिज्म आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। बहुत आए हैं। हाँ तो हाँ, ये मुझे याद है कि एक वायरल हुआ था आपका, वो 9:30 ऐसा कुछ बहुत ही अधिक वायरल हुए थे आप, उसकी पूरी कहानी है, पूरा रोस्टिंग हुई, लोगों ने रोस्टिंग हुई बोला उसके बारे में। तो उस वक्त जब पहली दफा जब आपके पास वो कुछ पहुंचा होगा उस तरीके का, तो आपको इट वाज शॉकिंग, राइट? मेरे लिए
उसको कई सारी चीजों से जोड़ा गया, अभी भी वो चीजें चलती रहती हैं। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, और मुझे मतलब आई वॉज लाइक हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो मुझे किसी मुंबई की मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा एंड शी सेड दैट यू हैव बिकम वेरी पॉपुलर। नो डाउट। मैं कहा कि मैं पॉपुलर हो गया हूँ, मुझे तो नहीं पता है, राइट? तो शी सेंड मी द लिंक, तो शी सेंड मी द लिंक, तो लिंक मैंने वो ओपन किया, तो फिर मैंने देखा कि इट्स ऑल। तो उस समय तक मुझे अच्छे से ये भी नहीं पता कि मीम्स होते क्या है, मैं नहीं जानता था क्योंकि मेरी वो दुनिया ही नहीं है, पता ही नहीं था तो कि मीम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं यार। मतलब कई सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पे ये आप कक्षा में, फिर मैं सोच रहा था कि ये क्या है। फिर उसके बाद से कुछ और पीछे लोग थे, उन्होंने कहा कि इट्स ऑल गुड, ये फन के लिए होता है चीजें। लेकिन एक चीज उस दौर में मैं आपको बताऊं कि बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, मैं चूंकि वो चीज हूं नहीं, तो आपको कैसे वहां से खुद को ओवरकम करना है ये मैं आपको बता सकता कि अब ये जो चीजें हुई और तो मैंने एक काम किया, मैंने इग्नोर किया सिंपली, मैंने इग्नोर करना शुरू किया। कई चीजें भी मेरे पास आई, कई मेरे पास मैसेजेस आते थे, कुछ कॉल्स भी आए, लोग परेशान भी करते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं वो एक दौर था। और मैं वहां से कैसे निकला कि मैं जो हूं मैंने उस पर फोकस किया कि मैं क्या हूं, हु एक्चुअली आई एम। लोग आपको क्या बना रहे हैं, दैट इज नॉट यू, आप क्या हैं वो आप हैं, आपको कोई क्या बना रहा है वो आप नहीं है। और मैं अगर कुछ नहीं हूं और मुझे कोई कुछ बना रहा है, राइट, वो टेम्पररी है। और जो मैं हूं उस पे अगर मैं फोकस्ड हूं ये परमानेंट है, एंड यू वोंट बिलीव कि वो बातें अब कहानी हो गई। अब ये बात जो है ये कहानी हो गई, अब मेरे पास मुझे लगता है कि अब ऐसे एक भी मैसेज नहीं आता, अब कोई जानता भी नहीं है भाई। अब ये बात अभी छिड़ी तो ये एक कहानी के तौर पे छिड़ रही है, क्योंकि इससे अब कोई नाता नहीं है मेरा, राइट? तो लोग आपको बनाते रहेंगे, ट्रॉल करते रहेंगे, एमबीए चाय वाले को नहीं छोड़ते किसी को नहीं, राइट? संदीप माहेश्वरी को नहीं छोड़ते, राइट? तो फिर हम और आप कुछ भी नहीं। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऑडियंस को बस इतना बताना चाहेंगे कि इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर आज हमारे साथ बैठे हुए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित सवाल अभी हुए नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड एपिसोड बना के डालने वाले हैं, जिसमें सर से टोटल लगभग 15 से 20 सवाल हम पूछेंगे जो कंप्लीटली नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित होगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, इस इंटरव्यू के रिलीज के लगभग 7 डेज के बाद वो वीडियो इस चैनल पे ही लाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एडमिशन दे, ये जो एपिसोड है ये लोगों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरक एपिसोड साबित होने वाला है, लोग सच में अपनी जिंदगी में एक ड्रेस्टिक चेंज ला पाएंगे आपके द्वारा सिखाई गई बातों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके। थैंक यू सो मच सर, इट वाज माय प्लेजर, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट सर, ये छोटा सा तोहफा सर टॉक्स ऑफ लेजेंड्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी शख्सियत से मिलना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा कि आप किन से मिलना चाहते हैं। आगे के किसी एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि उस शख्सियत को अपने इस शो में जरूर इनवाइट करें।